हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम कुछ ऐसा चीज़ बनाने वाले हैं ना, जो आप लोग को बना के खाओगे तो एक ही आवाज़ निकलेगा, सो यमी। इसलिए आप पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। इसलिए हमने 1 किलो आलू उबाल लिए थे और उसको छिलका हटा दिए। फिर हमने लिया है मैदा, उसमें हम डालेंगे नमक। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फिर इसमें हम डालेंगे तेल, मैन डालेंगे इसमें हम। इसको अच्छे से हम करेंगे मिक्स। मैन इतना हम डालेंगे कि हम अगर आपको अपने हाथों मिले तो बन सके, देख सकते हैं आप सभी। अब इसमें हम गुनगुना पानी लेंगे, ना ज़्यादा गर्म ना ठंडा, गुनगुना पानी। और इसी से गूथेंगे पानी से, और एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। हमारा डो तैयार है आटे का। अब इसको हम ढक के 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। इसलिए हमने लिए अदरक, 7 से 8 हरी मिर्च और लहसुन। इनका हम पेस्ट बना लेंगे। इसलिए हम डालेंगे इसमें पानी। अब इसका हम ग्राइंड कर लेंगे। तब तक एक तरफ हम पैन चढ़ा दिए हैं गरम होने के लिए। इसमें डालेंगे हम सरसों तेल, उसमें डालेंगे तेज़पत्ता, एक हरी मिर्च कटी हुई, और जो हमने पेस्ट तैयार किया था ना वो डालेंगे इसमें। इन सारे को चीज़ को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें डालेंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर, इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तब तक जो हमने आलू उबाले थे ना उसको तोड़ लेंगे अच्छे से। हमने सारे आलू को तोड़ लिए हैं। अब हम इसी मसाले में आलू को डालेंगे। अब इन सारी चीज़ को हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 बड़ी चम्मच से गरम मसाला। और कस्तूरी मेथी जिसको हम क्रश कर लेंगे, थोड़ा अपने हाथों से मसल लें, फिर डालें इसमें। और डबल स्वाद अनुसार नमक। इन सारे चीज़ को हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। हमारे चोखा जो है आलू का वो तैयार है। अब इसमें हम डाल देंगे धनिया पत्ता। इन सारे चीज़ को मिक्स कर लेंगे। अब हमारे 15-20 मिनट हो गए हैं और हमारे समोसे में भरने के लिए चोखा भी तैयार है। अब हम एक लोई लेंगे, इसको सूखे आटे में मैदे में हम एक लगा लेंगे। फिर इसको हम बेलेंगे। इसको ज़्यादा गोला नहीं बनाना है, लंबे आकार में इसको बनाना है। और हमने कटर लिया था, पिज्जा कटर, उससे काट लेंगे। अगर हमारी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसमें हम पानी लगा लेंगे चारों तरफ से। आपको जैसे आसानी बुझाए वैसे आप समोसे का शेप दे सकते हैं। हमको, मेरे को यही आसान बुझाता है, इसलिए हम ऐसे ही बनाते हैं। फिर हम इसमें चोखा डालेंगे, थोड़ा सा चोखा लेंगे क्योंकि हमको इसमें डालना है ढेर सारा चीज़, क्योंकि हम बना रहे हैं चीज़ समोसे। इसमें हम डालेंगे चीज़। आप लोग एक बार ज़रूर इसे बना के ट्राई करें। अब हम इसको अच्छे से दोनों पकड़ के इसको चिपका देंगे और समोसे के आकार में शेप देंगे। ये हमारे बन गए हैं समोसा। बारी बारी हम समोसा सब्जी बना लेंगे। फिलहाल तो हम चार ही बनाए हैं। अब इसको हम फ्राई करते हैं। हमारे तेल गरम हो गए हैं, इसमें हम डालेंगे
इसको पलट पलट कैसे तल लेंगे समोसे को हम। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करें चीज़ समोसा, आपके बच्चे बड़े हर किसी को पसंद आने वाले हैं और हमारे घर में तो बहुत ही पसंद है सबको। देख सकते हैं हम तोड़ के भी दिखा रहे हैं आपको, कितने अच्छे क्रिस्पी बने हैं और चीज़ इससे निकल रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ना ये। टेक केयर, बाय बाय।